इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको लाइक गिव देना चाहता हूं 2500 का। तो सारे के सारे बंदे जो इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज जाकर लाइक कर दो, लाइक एम आज पूरा करा दो, तुम्हारे लिए अगली वीडियो के अंदर गिफ्ट लेकर आऊंगा। तो हाँ 2500 लाइक इस वीडियो पे पूरा करा देना। नाउ लेट्स बिगिन दिस वीडियो। क्या जॉन क्रिजिंस्की मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद में वापस से हमारे लिए रीड जर्स प्ले करने वाले हैं? इसका जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड तक मैं आपको इसका जवाब जरूर दूंगा। Hey guys, मैं उससे चलेगा, मैं लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले अगर बात करें रीड रिचर्ड्स की ना, तो मैं ये कहूंगा कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी चाहे जैसी भी हो, मतलब वैसे तो मैंने रिव्यू बहुत अच्छा दिया इस मूवी को, लेकिन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जैसी भी हो, एक चीज जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी वो ये थी, मेरी एक ड्रीम कास्टिंग को कंप्लीट किया मार्वल ने और हमें दिया जॉन क्रिजिंस्की एज मिस्टर फैंटास्टिक। मतलब मेरी अकेले की ड्रीम कास्टिंग नहीं थी, बहुत लोगों की थी, बट जॉन क्रिजिंस्की का मिस्टर फैंटास्टिक का जो पोर्ट्रेयल था ना, मतलब दैट वाज जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। हम देखते हैं कि मॉडो जो है वो सारे के सारे इल्यूमिनाटी के मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करता है और एंड में वो इंट्रोड्यूस करता है रीड रिचर्ड्स को, द मेंबर ऑफ फैंटास्टिक फोर, और वहां पर हम देखते हैं कि हमारे रीड रिचर्ड्स की एंट्री होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक पोर्टल में से आता है और जो मोटो है वो इस बात को एड्रेस भी करता है, द स्मार्टेस्ट मैन इन द यूनिवर्स, या कुछ ऐसे ही बोलता है वो, द स्मार्टेस्ट मैन अलाइव रीड रिचर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जब वो उसकी एंट्री होती है ना, मुझे वो सीन देखने के बाद में आई वाज लाइक क्लैपिंग शाउटिंग और मैं चिल्ला रहा था, आई वाज सो हैप्पी कि मुझे जॉन क्रिजिंस्की देखने को मिले एज मिस्टर फैंटास्टिक। अब देखो पता तो मुझे पहले से ही था कि दो ही बंदे हो सकते हैं मिस्टर फैंटास्टिक के रोल में, लेकिन देखना उस चीज को इन द मूवी दैट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। और मैं सच बता रहा हूँ, आई वॉज सो मच हैप्पी जब उसको मैंने देखा था, आई वॉज लाइक कि यार मार्वल वाले ने जो किया है बहुत अच्छा किया है। उसके बाद मैंने देखा जॉन क्रिजिंस्की की एक्टिंग को, उसका डिमीनर, उसके कहने का तरीका, उसके एक तरह से लिहाज, हम सब कुछ बहुत अच्छा था। मैंने एक चीज यहाँ पर नोटिस की हुई थी कि जॉन क्रिजिंस्की ने डॉक्टर स्ट्रेंज को डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं बोला, उन्होंने बोला हेलो स्टीवन। इसका मतलब है कि वो जानते हैं ये बात कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है ना उनकी रियलिटी में भी था, जो उसके एक फ्रेंड की तरह ही था, सेम इसी तरह से उनको इस डॉक्टर स्ट्रेंज को भी ट्रीट करना है। लेकिन एंड में हुआ क्या, जब सारी की सारी चीजें हो गई, हमने देखा कि रीड रिचर्ड्स ही एक ऐसा बंदा था जो कि इल्यूमिनाटी की टीम के अंदर बहुत ज्यादा वोकल था, और स्टीवन को यानी कि हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत सारी प्रॉब्लम के बारे में जानकारी एक्चुअली में मिस्टर फैंटास्टिक ने दी। अब मुझे पता है काफी लोग ये बोलेंगे कि हाँ मिस्टर फैंटास्टिक स्मार्टेस्ट मैन अलाइव है, लेकिन वार्नर ने उसको दो चुटकियों में मार दिया। आपने एक चीज गौर करी वो ये थी कि वहां पे हमने मिस्टर फैंटास्टिक का एक ऐसा रूप देखा जो बहुत ज्यादा अमेजिंग था। कैसे मैं बोल रहा हूं ये बात, हमने देखा कि सारे के सारे बंदे जब एक एक करके उतरते हैं वांडा के आगे, तो एंड में मिस्टर फैंटास्टिक ही आता है और वो सबके आगे खड़ा होता है एज अ शील्ड। मतलब अगर वांडा कुछ करने वाली है तो पहले मैं ही करूंगा और पहले मैं ही उससे लड़ूंगा। दूसरी चीज, वो वांडा को एक तरह सिंपैथी गेन करने की कोशिश भी करता है, इमोशनली थोड़ा उसको रोकने की कोशिश भी करता है और बोलता भी वांडा मेरे भी बच्चे हैं। तो वहां पर हम देखते हैं कि वांडा क्या करती है, वांडा से एक ऐसा सवाल पूछती है जहां पर मैंने बोलता भाई इससे ज्यादा सैवेज मोमेंट मैंने आज तक जिंदगी में किसी मूवी में नहीं देखी। हम देखते हैं यहाँ पे मिस्टर फैंटास्टिक बोलता है कि वांडा मेरे भी बच्चे हैं और मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दर्द। तो वांडा बोलते हैं क्या इनकी मम्मी अलाइव है, तो बोलता है हाँ इनकी मम्मी अलाइव है। फिर वांडा बोलते हैं कि तुम्हारी मौत के बाद कोई ना कोई तो बचेगा इन बच्चों की परवरिश करने के लिए। And I was like, damn, Wanda, इतनी खतरनाक लाइन, इतनी सैवेज लाइन मैंने आज तक किसी टीवी की मूवी के अंदर नहीं देखी, बट दैट वाज जस्ट फैंटास्टिक। उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे मिस्टर फैंटास्टिक के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है और वहां पर वांडा जो है उसकी चीथड़ कर देती है, एक तरह से नूडल उसकी बना देती है और वहां पर मिस्टर फैंटास्टिक खत्म हो जाता है। यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई मार्वल वालों ने जॉन क्रिजिंस्की को, केविन फाइगी ने जॉन क्रिजिंस्की को जब कास्ट किया होगा तो उनको पता होगा ये एक्चुअली में सीन होने वाला है जहां पर वो आएगा, थोड़ी सी बातें करेगा, उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। तो क्या जॉन क्रिजिंस्की इतने छोटे रोल के लिए कभी मार्वल के साथ जुड़ेंगे? जवाब है नहीं। और मुझे लगता है कि 616 यूनिवर्स के लिए भी अब मिस्टर फैंटास्टिक का जो रोल करने वाले हैं ना वो जॉन क्रिजिंस्की ही करने वाले हैं। अगर आधी वीडियो के बीच में आप भूल गए हैं कि लाइक एम भी है हमारा, तो मैं याद दिला दूं 2500 का लाइक है, मैं फटाफट से पूरा कर दो, लाइक बटन दबा दो। अब कुछ दिनों पहले हुआ क्या कि स्पाइडरमैन नो वे होम के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर जॉन वॉट्स, जो कि एक्चुअली में जब लास्ट टाइम कॉमिक कॉन की अनाउंसमेंट हुई थी तब उन्होंने कहा था कि मैं ही वो पर्सन हूं जो कि फैंटास्टिक फोर की मूवी को फ्यूचर के अंदर करेगा। एंड फाइगी ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट करके ये बोल रहा था कि जॉन वॉट्स ही हमारे ऐसे बंदे होने वाले हैं जो कि हमारे नए डायरेक्टर होंगे, फैंटास्टिक फोर की जो मूवी आएगी इसको डायरेक्ट करेंगे। उसके बाद थोड़े दिन पहले मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के कुछ दिन पहले ही उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया, उन्होंने बोल दिया कि फैंटास्टिक फोर की मूवी जो है ना मैं डायरेक्ट नहीं करूंगा, कुछ बात है मैं
थोड़ा ब्रेक लेना चाहता हूँ। ये बात जानते हैं कि जॉन क्रिज़िंस्की एक डायरेक्टर भी हैं। जी हाँ, क्वाइट प्लेस 1 और क्वाइट प्लेस 2 दोनों के अंदर उन्होंने एक्टिंग भी की है और दोनों मूवी को उन्होंने डायरेक्ट भी किया है। और इस मूवी का डायरेक्टर को स्टेप डाउन कर देना और जॉन क्रिज़िंस्की हमारे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एज मिस्टर फैंटास्टिक दिखाना, मुझे नहीं लगता है कोइंसिडेंस है। और मुझे लगता है कि फैंटास्टिक फोर की मूवी के लिए भी ना अब जॉन क्रिज़िंस्की को एज लीड एक्टर यानी कि एज मिस्टर फैंटास्टिक एंड एज डायरेक्टर ही लिया जाएगा। और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल मस्त थ्योरी होने वाली है जहां पर मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, क्योंकि अगर एक्चुअली में ऐसा होता है कि वहां पर वो डायरेक्ट भी कर रहे हैं और मिस्टर फैंटास्टिक का रोल भी कर रहे हैं, मेरे लिए तो ड्रीम कम ट्रू होगा। मुझे लगा कि हाँ भाई, मार्वल वाले ने अगेन जो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में गलती की थी उससे सीख कर यहाँ पर जॉन क्रिज़िंस्की को एज 616 का रीड रिचर्ड्स दिखाया है। एंड जितने फैंस उस टाइम उनसे गुस्सा आया ना, यानी अभी वो सोच रहे हैं कि यार हमारा मिस्टर फैंटास्टिक आया और चला गया, बाद में वो बिल्कुल खुश हो जाएंगे जब केविन फागी ये बात ऑफिशियली अनाउंस कर देंगे कि हाँ भाई रीड रिचर्ड्स का रोल वापस से क्रिज़िंस्की करने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस इस थ्योरी के अंदर मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम लगती है, वो ये है कि हमने देखा लोकी के अंदर और स्पेशली स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर कि जो वेरिएंट्स होते हैं ना मल्टीपल यूनिवर्स के, वो आपकी तरह दिख भी सकते हैं और आपसे अलग भी दिख सकते हैं। हम देखते हैं लोकी के अंदर मल्टीपल वेरिएंट थे, कोई बुड्ढा भी था, कोई बच्चा भी था, कोई जानवर भी था। इसका मतलब है कि मल्टीवर्स के अंदर नई नई तरह के वेरिएंट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर भी हमने देखा कि पीटर पार्कर तो तीनों थे लेकिन तीनों की एज भी लगती, तीनों की शक्ल भी लगती, थे वो एक ही लेकिन तीनों अलग अलग थे। तो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न यही है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस स्टोरी के साथ यही है कि अगर उस यूनिवर्स का यानी इल्यूमिनाटी यूनिवर्स का, आई थिंक वो थी अर्थ 638 या 838 समथिंग, मेरे को फिलहाल याद नहीं है, तो उस यूनिवर्स का अगर रीड रिचर्ड्स मर गया है, ऐसा जरूरी नहीं है कि 616 यूनिवर्स का भी रीड रिचर्ड से होगा ना उसकी शक्ल सेम होगी। जी हाँ, मार्वल ने बात ऑलरेडी हमें प्रूव करके बता दी है कि भाई जरूरी नहीं है वेरिएंट की शक्ल सबकी सेम होने वाली है। तो हाँ, बस इसी बात से मैं घबराता हूं और मुझे लगता है कि यही रीजन होगा, अदरवाइज मार्वल के पास कोई भी रीजन नहीं है जॉन क्रिज़िंस्की को वापस ना लाने का, क्योंकि उनका 5 मिनट का पोर्ट्रियल डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में बहुत सारे फैंस को खुश कर चुका है। सारे के सारे फैंस डिमांड कर रहे हैं कि जॉन क्रिज़िंस्की को एज मिस्टर फैंटास्टिक आपको लाना पड़ेगा, अदरवाइज वो मूवी देखेंगे भी नहीं। थोड़े दिन पहले तो इंस्टाग्राम में मैंने ये पोस्ट डाल दिया था कि अगर जॉन क्रिज़िंस्की वापस नहीं आते मिस्टर फैंटास्टिक के रोल में तो मैं तो लड़ाई करने लग जाऊंगा मार्वल वाले से और जो भी इसका डायरेक्टर होगा उससे, हालांकि मजाक साइड में। लेकिन फैंटास्टिक फोर को लेकर मार्वल के पास में इतना अच्छा सेटअप कर दिया गया है, मतलब मैं क्या ही बताऊं, 5 मिनट के सीन के अंदर हमें इतनी सारी चीजें बता दी मिस्टर फैंटास्टिक के बारे में, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूं। उसने पता क्या बोला, मेरे बच्चे हैं, यानी उनका बच्चा है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, जो कि एक इतना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, इतना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है कि मैं सच बोल रहा हूं, अगर वांडा के सामने फ्रैंकलिन रिचर्ड्स खड़ा होता ना तो वांडा के तो 25 हिस्से कर देता और वांडा को पता भी नहीं चलता। जी हाँ, मैं सच बोल रहा हूं, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के बारे में कभी बात करेंगे। उस सीन के अंदर उन्होंने यही बताया कि हमारे जो जॉन क्रिज़िंस्की का कैरेक्टर मिस्टर फैंटास्टिक, उसकी शादी भी हो रखी है, यानी कहीं ना कहीं सूज़न स्टॉर्म भी है, और जब सूज़न स्टॉर्म भी है उसके बच्चे भी हैं, तो पूरी फैंटास्टिक फोर की टीम भी होने वाली है। ऐसा भी हो सकता है फैंटास्टिक फोर की जगह पे उनकी फैमिली के ही फैंटास्टिक फोर हो, यानी जॉन, उनकी बीवी और साथ में 2 बच्चे, ऐसा भी तो हो सकता है। हो सकता है मार्वल एक नया रूट यहाँ पे ले और हो सकता है कि मार्वल हमें कुछ नया दिखाए। तो गाइस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कैसा लगेगा अगर जॉन क्रिज़िंस्की एज मिस्टर फैंटास्टिक वापस आ जाए। और मैं सच बता रहा हूँ, आई विल बी सो मच हैप्पी, क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जो भी उन्होंने कांड किया वो सब भूल जाऊंगा मैं। फिलहाल मुझे एज डायरेक्टर चाहे मिले ना मिले, लेकिन एज मिस्टर फैंटास्टिक, एज रीड रिचर्ड्स जॉन क्रिज़िंस्की वापस चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना कि आपको कैसा लगा था जब आपने उनको फर्स्ट टाइम देखा था हमारे मिस्टर फैंटास्टिक के रोल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।